ओम शांति। वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मनाभिमान ना आने रे। वैष्णव जनते तेने कहिए, किसी के मन को पीड़ा देना ये भी हिंसा है, किसी के मन को दुखाना ये भी हिंसा है। अहिंसा का पाठ सारे विश्व को पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी, कई बार उन्होंने अपने भाषणों में या फिर लिखित साहित्य में एक महावाक्य का बारंबार उच्चारण किया है। संस्कृत का वह श्लोक अहिंसा परमो धर्म, ये वाक्य महाभारत में कई जगह पर आया है, गीता में ये महावाक्य कहीं पर भी नहीं है। हाँ, परंतु गीता में अहिंसा शब्द है चार बार सारी भगवद गीता में, पर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये महावाक्य महाभारत में और कुछ संस्कृत के कुछ दूसरे साहित्य में आया है, और जैसे कहा उन्होंने अपने भाषणों में इसका प्रयोग किया और अपने सारे जीवन को सत्य और अहिंसा की प्रयोगशाला बनाया। उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने वाले उनके जो बेटे थे मणिलाल गांधी, उनके भी जो बेटे थे जो वर्तमान में अरुण गांधी, जो कि एक समाज सेवक है, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और वर्तमान समय भी है, विदेश में रहते हैं और जगह जगह पर भाषण देते हैं। उनका एक भाषण है जिसमें उन्होंने अपना एक संस्मरण बताया है। अरुण गांधी, उनके जो पिता थे मणिलाल गांधी, वो भी अपने पिता जैसे ही अहिंसा के पुजारी थे, और जब महात्मा गांधी मतलब अरुण गांधी के ग्रैंडफादर अफ्रीका में थे, डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट और वहां वो क्रांति जो चल रही थी, उन्होंने लिखा कि मेरी उम्र 16 वर्ष की थी और हम लोग शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर रहते थे और कभी कभार शहर जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, और जब भी शहर जाते थे तो हमें बड़ी उत्सुकता होती थी कि हम शहर से बाहर रहते थे जहां कुछ भी नहीं था, और शहर जाने की हमेशा ही बहुत इच्छा रहती थी क्योंकि वहां पर टॉकीज, मार्केट, घूमना फिरना ये सब रहता था। तो मैं और मेरी दो छोटी बहनें, हम लोगों को बहुत उमंग उत्साह रहता था। तो उन्होंने लिखा कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिता मतलब मणिलाल गांधी ने कहा कि तुम्हें शहर जाना है, और उनके पास कार थी, और वहां जब मुझे भी छोड़ देना और मैं तो अपना काम करूंगा, तुम कार की सर्विसिंग करना। तो वो गए और उनकी जो माताजी थी उन्होंने भी कहा कि ये सब चीजें लानी है लिस्ट। तो वो गए, सुबह अपने पिताजी को छोड़ा और पिताजी ने कहा 5 बजे तो तुम आ जाना सर्विसिंग करके। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, और ये चांस था बहुत अच्छा, और वो मूवी देखने चले गए, फिल्म, इंग्लिश मूवी। उस समय कोई एक्टर था जॉन वेन, बड़ा फेमस अमेरिकन एक्टर, तो उसकी मूवी टॉकीज में लगी थी और वो वहां चले गए, और वो देखते 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 लेट हो गया, 6 बज गए आते हुए। तो अब क्या करे, वो पिताजी तो पूछेंगे, और वो भी जैसे उनके दादा थे स्ट्रिक्ट वैसे ही थे वो भी मणिलाल गांधी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम लेट क्यों हुए।
तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, गैराज में गया था, वो बंद था। तब तक उनके पिताजी ने वो गैराज में जाके वो गाड़ी ठीक भी करा ली थी और लेके भी आ गए थे, और उनकी उनका झूठ पकड़ा गया एकदम रंगे हाथों। तो एकदम डर गए और उन्होंने सोचा अब क्या होगा पता नहीं। तो उनके पिताजी ने उनको कुछ भी नहीं कहा, और उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारी तरबियत में, तुम्हारी शिक्षा में मेरे से कुछ भूल हो गई है, तो अब एक काम करते हैं कि तुम गाड़ी से पीछे आओ, पीछे से गाड़ी लेके आओ, मैं पैदल जाऊंगा 28 किलोमीटर, ये सोचते सोचते कि मेरे से क्या भूल हो गई है, चिंतन करते हुए। तो गाड़ी पीछे, मणिलाल वो बेटा उनका अरुण गांधी और मणिलाल गांधी आगे पैदल। वो रास्ता भी ठीक नहीं, अंधेरा रास्ते में ओबड़ खाबड़ रास्ता, और पीछे बेटा आगे बाप, और वो 28 किलोमीटर तक पैदल आए। अरुण गांधी ने अपने अनुभव में लिखा कि ये दृश्य आज भी मेरे सामने है कि मैंने झूठ बोला अपने पिता के सामने, और अहिंसा का ये पहला पाठ मैंने तब सीखा और संकल्प किया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो अहिंसा का बीज महात्मा गांधी ने बोया था और जो अहिंसा की मशाल और सत्य की मशाल लेकर वो चले थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम का बृहद वाक्य बना, और धीरे धीरे उसी अहिंसा के बल से भारत आजाद हुआ। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अहिंसा। पर आज हम अहिंसा की चर्चा नहीं करेंगे। सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? काम। सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? काम। और इस काम को बाबा ने क्या कहा है? कटार, कटार, तलवार। काम शिकारी है। तो इस काम रूपी शिकारी की एक हिंसक तलवार भी है। काम को हिंसा क्यों कहा गया? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। काम को शत्रु जरूर कहा, सन्यासियों ने भी कहा, आज की मुरली में भी है। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु काम है, बाकी सब उसके बाल बच्चे हैं, वो सरदार है, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। पर प्यार से काम लो, ये भी कहा आज, क्रोध नहीं करो ज्यादा, साकार मुरली आज की। प्यार से काम निकालो, जैसे मैं प्यार का सागर हूं, तुम भी प्यार के सागर बनो। चोर को भी प्यार से समझाओ तो क्या करेगा? वो सच बोल देगा, झूठ नहीं बोलेगा, वस्तु वापस कर देगा, आज की मुरली में। तो काम महाशत्रु है, काम सबसे बड़ी हिंसा है। लस्ट ग्रेटेस्ट वायलेंस है। क्यों? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ग्लानी तो सभी ने की है, काम की, द्वापर से की है। सन्यासियों ने सबसे ज्यादा ग्लानी की है, छूटने का प्रयत्न किया है, ब्रह्मचर्य पर बहुत कुछ किया है, पुरुषार्थ किया है, महिमा गाई है, स्वयं धारण भी किया है, रहे भी और गिरे भी। परंतु हिंसा ये किसी ने नहीं कहा। कल की मुरली में था, कोई कोई सन्यासी है जो कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ठग बहुत है, क्रिमिनल आई वाले, ऐसे भी उनको क्या कहा?
ठग कहा। बच्चा पैदा करके करोगे क्या, विनाश सामने है, हमारा वंश चलना चाहिए, दुनिया ही खत्म हो रही है, तुम्हारा वंश कहां से चलेगा। तो काम महाशत्रु है, काम हिंसा है, काम वायलेंस है। क्यों? तो काम शिकारी की हिंसक कटारी, काम किन किन चीजों की हत्या कर देता है, आज इसकी चर्चा करेंगे। 9 तारीख की मुरली में था, काम सबसे बड़ी हिंसा है, आज की मुरली में सबसे बड़ा दुश्मन है, और रोज की ही मुरली में रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। बाप आए हैं तुम्हें पावन बनाने, तुम्हें पवित्र बनना है। अब ये खेल पूरा हुआ, ये बेहद का मांडवा है, यहां तुम आई थी आत्माएं, अब तुमको वापस जानना है, अनलिमिटेड स्टेज, पार्ट पूरा हो चुका है तुम्हारा, तुमको अब वापस जाना है। कल की मुरली में था, एक भी भूत नहीं रहना चाहिए, तब तुम देवता बनेंगे, तब तुम नर से नारायण बनेंगे, एक भी भूत नहीं होना चाहिए। और काम महाभूत है, भूतों का महामंडलेश्वर। तो ऐसी 16 बातें हैं जिनको काम खत्म कर देता है, जिनको काम मार देता है, मर्डर कर देता है। 2 व्यक्तियों के बीच आ और बा, 2 व्यक्तियों के बीच एक है प्रेम, एक है कामुक संबंध। कल की मुरली में था पवित्र गृहस्थ आश्रम, बाप आए हैं पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन करने, आप सबको एक काम दे रहे, पवित्र गृहस्थ आश्रम अगर बनाना है तो स्त्री को क्या करना पड़ेगा और पुरुष को क्या करना पड़ेगा, जो कि युगल है। ऐसी कौन सी धारणाएं पुरुष को करनी पड़ेगी और ऐसी कौन सी धारणाएं स्त्री को करनी पड़ेगी, यदि गृहस्थ को पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है तो। ये एक दूसरा प्रश्न है जो कल की मुरली में था। तो काम महाशत्रु है, काम अर्थात कामुक भावनाएं, काम अर्थात कामुक संकल्प, काम अर्थात दर्शन, कामुक दृष्टि, काम अर्थात स्पर्श, काम अर्थात कामुक संबंध, रिलेशनशिप, देहभान के रिलेशनशिप, काम अर्थात दैहिक आकर्षण। तो काम अर्थात वृत्ति कामुक, दृष्टि कामुक, व्यवहार कामुक, देखना कामुक, सुनना कामुक, और सबसे संवेदनशील विषय है ये। तो काम हिंसा ही क्यों है, ऐसा क्यों कह दिया भगवान ने, और वो तलवार है। संसार में तो बड़ा अच्छा समझा जाता है, सुख का साधन समझा जाता है, पर यहां तो सबके लिए, चाहे सेवाधारी, चाहे कुमार, चाहे अधर कुमार, चाहे टीचर या फिर युगल या कुमारी, सबके लिए एक ही नियम है, संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा है सफेद कागज पर काला दाग है अपवित्रता। November 15, 2003 अव्यक्त मुरली, सभी सेंटरों पर वो चित्र लगा हुआ है, देखा होगा ना बाप दादा का, पवित्रता वाला।
15 नवंबर 2003 का संपूर्ण पवित्रता, जिस पवित्रता के लिए ब्रह्मा को इतनी गालियां खानी पड़ी। अगर कोई कहता है थोड़ा सा हो गया, बाप कहते हैं थोड़ा नहीं बहुत है, ये नहीं चलेगा। सुनो, कान खोल के सुन लो, उस मुरली में है। फिर ये मत कहना हमारे हमने ठीक से नहीं सुना था। कान खोल के सुन लो, बाबा ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं। ये ऑफिशियल वार्निंग है बाबा की। फिर बाप बाप के रूप में नहीं होगा, धर्मराज के रूप में होगा। संडे की मुरली, बाप के दो रूप। अभी बाप तुम्हारा साथी है, बाद में साक्षी हो जाएगा। अभी उसका वरदान ही हाथ सिर पे है, बाद में हाथों में डंडा होगा पिटाई करने के लिए। तो दो व्यक्ति जो काम से आकर्षित होते हैं, वहां बाबा ने कहा यह हिंसा है। यहां तक कहा है आदि मध्य और अंत क्या करता है, दुख देता है। आदि में दुख देता है, कौन सी आदि और कौन सा मध्य और कौन सा अंत? क्या यह युग की बात है? कौन सा आदि, कौन सा मध्य और कौन सा अंत? स्टार्टिंग, मिडल और एंड। कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा मिडल और कौन सा एंड? संबंध की स्टार्टिंग, संबंध का मिडल और संबंध का एंड। क्रिया, आदि मध्य और अंत, क्या ये क्रिया से संबंधित है या संबंध से संबंधित है, संकल्प से संबंध है या युग से संबंधित है? सभी से संबंधित है, सभी से संबंधित है। तो सबसे पहला हत्या जो काम करता है, दो व्यक्तियों के बीच काम संबंध है, इंटरपर्सनल लव। जहां काम आ गया वहां प्रेम नहीं रहेगा। फिर काम में व्यक्ति वस्तु बन जाता है, वो एक आवश्यकता बन जाती है। आवश्यकता के लिए यूज करो और बाद में फेंक दो। फिर उस व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है काम में। तो इसलिए काम को हिंसा कहा है, क्योंकि प्रेम को ही नष्ट कर देता है दो व्यक्तियों के बीच। और ऐसा प्रेम लंबा समय नहीं चलता है। हाँ, सामाजिक बंधनों के कारण निभाते और जीवन भर चल जाता है, पर दिखावा मात्र। अंदर से आपस में बाद में घृणा रहती है, नफरत रहती है, शिकवे रहते हैं, गिला रहता है। जमीर पर दाग होता है कि हमने उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। एज अ पति, पत्नी के रूप में, पति के रूप में जो उसे देना चाहिए था वो नहीं दिया। उसे प्रेम चाहिए था, हमने काम की कटारी चलाई और उस प्रेम को ही नष्ट कर दिया। तो दो व्यक्तियों के बीच जो प्रेम है वो क्या होता है, नष्ट, मर्डर। इसलिए काम हिंसा है। दूसरा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दो व्यक्तियों के संबंध को नष्ट कर देता है। दो व्यक्ति है, फ्रेंड है, बहुत अच्छे, पर जिस दिन काम बीच में आया वो संबंध नष्ट। अभी यहां पति पत्नी की बात नहीं कर रहे, दूसरे, एक ब्रह्मा कुमार एक ब्रह्मा कुमारी, सेवाओं का संबंध है, साथ सेवाएं करते हैं, पर जहां पर काम के विचार आए, कल्पनाएं आई, इच्छाएं जन्म ली, आकर्षण हुआ देह का, सौंदर्य का या
स्वभाव में किसी गुण का, कोई विशिष्ट स्वभाव का, कोई विशिष्ट कला का, तब वो संबंध भी धीरे धीरे नष्ट होगा, क्योंकि फिर वहां पर एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। तुमने मेरे से बात क्यों नहीं की, उत्तर क्यों नहीं दिया, पूछा नहीं, एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजें। ऊपर से सेवा दिखाई दे रही है, अंदर से काम बैठा हुआ है। तो काम दो व्यक्तियों के बीच जो संबंधों की पवित्रता है, पावित्र्य है, उसे ही नष्ट कर देता है। इसलिए तो बाबा ने कहा उस दिन रोना पड़ेगा, देहभान में क्या होगा, रोना पड़ेगा। और रोते कौन नहीं, जो आत्म अभिमानी है और जो सबको आत्मा देखते हैं। अभी मुरली चली ना एक पूरी, संसार के लोग, ये दोनों ही चीजें नष्ट हो जाती है काम में। तीसरा, भगवान से प्यार, लव ऑफ गॉड। जहां काम की अग्नि धधकती है, प्रभु प्रेम अपने आप कम हो जाता है, परमात्मा प्रेम अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि शरीर कहीं और आकर्षित हो रहा है, शरीर को कुछ और खींच रहा है, इसलिए हलचल है। शरीर की हलचल, मन की हलचल, प्रभु प्रेम का मर्डर, नष्ट हो जाता है। फिर वो दूसरी बात है, अपने आप को चलाते हैं, नहीं हमारा अमृत वेला तो ठीक हो रहा है, मुरली क्लास में जा तो रहे हैं, पर आकर्षण किस ओर है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जिनमें काम छिपा हुआ है, अपने काम की पूर्ति एक दूसरे को देखकर करते हैं, दृष्टि से। इसके लिए परमात्मा प्रेम नष्ट या कम हो जाता है। कोई एक बहन बता रहे थे कि पहले तो कहीं और रहते थे, अभी दूसरी जगह आए, वहां पे नियम है रात को 9 से 11 बजे तक टीवी देखा जाता है, सब मिलके टीवी देखते हैं, सब मतलब ज्ञान में चलने वाले, अर्थात जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। और बराबर अमृत वेला रेगुलर 4 बजे तो होता है, अमृत वेला मिस नहीं करते, अमृत वेला भी चालू है और ये भी चालू है, दोनों का बैलेंस, क्योंकि इसकी तो पुरानी आदत है अमृत वेला 3:30 बजे उठने की, ये नई आदत अभी चालू की है, क्योंकि इस टाइम पे सीरियल्स होते हैं, इस टाइम पे अच्छे अच्छे कुछ प्रोग्राम टीवी पर होते हैं, मिलजुल कर देखते हैं, हाँ कुछ सीखने के लिए, कल्चरल प्रोग्राम में क्या ड्रेस पहनना है वगैरह वगैरह। परंतु देख तो रहे हैं, परंतु बहुत कुछ अंदर जा रहा है आंखों से, आंखों से क्या पी रहे हैं, आंखों से क्या खा रहे हैं, कानों से क्या पी रहे, कानों से क्या खा रहे, वो सब अंदर जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में अंदर समा रहा है, वो हमको खा रहा है, अंदर समा रहा है। और कहते हैं फिर हमारा अमृत वेला तो रेगुलर फिर भी चालू है, ऐसा नहीं हो सकता है। आज की मुरली में है सारा मदार है योग पर, कोई बच्चे हैं 5 मिनट भी याद नहीं करते, आज की मुरली योग में ही मुश्किल है, योग में ही मुश्किल है, योग बड़ी भारी मंजिल है। माया का टेम्पटेशन, माया की कंपटीशन, माया का लालच, ऐसे 3-4 शब्द है मुरली में आज, माया का लालच, माया की कंपटीशन, माया का पॉम्प खींचता है। कल की मुरली में था यहां प्रतिज्ञा करते हैं बाप से पवित्रता की, वहां जाने के बाद, वहां जाने के बाद सब कुछ खलास, अबलाव पर अत्याचार, नारी निर्बल और नारी कमजोर, फिर अत्याचार करते हैं।
उल्टा भी हो सकता है, दोनों चीजें है। तो प्रभु प्रेम नष्ट समाप्त, उसके बाद परमात्मा से संबंध, जो अभी संबंध है वो नहीं रहते, काम विकार में भी जा रहे हैं और मुरली क्लास में भी आ रहे हैं, दोनों चीजें चालू है। बाबा ने कहा ऐसी ठगी यहां चल ना सके, क्योंकि बिना पवित्रता के धारणा होती नहीं है। यह भी कहा जा सकता है इसमें क्या खराबी है, विकारों में भी जाओ और धारणा भी करो, मुरली में भी आएंगे फिर बाहर का खाना भी नहीं खाएंगे और अमृत वेला भी करेंगे और दिन भर सेवा करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, क्योंकि वो संबंध यहां जोड़ नहीं पाते। उस व्यक्ति से जिससे संबंध है काम का, उसी व्यक्ति की याद रहती है, उसके शरीर की याद रहती है, उसी का शरीर खींचता है। काम का भी बीज है संबंध, किन व्यक्तियों से कैसे संबंध जोड़े हैं। जो अपरिचित व्यक्ति है उनके प्रति कोई ख्याल नहीं आते, पर जिनको हम जानते हैं या जिनके लिए समाज ने हमको लाइसेंस दे रखा है, ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है, उनके लिए अपराध भाव की भावना नहीं जागती। पर भगवान कह रहा है सब भाई है, ना कोई पति ना कोई पत्नी, सब आत्माएं हैं। कौन पति कौन पत्नी, कौन स्त्री कौन पुरुष, सब आत्माएं हैं। या फिर माता समझो अपनी पत्नी को, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, शादी हुई, मां शारदा आई, आते ही उन्होंने उससे पूछा क्या तुम मुझे गिराने आई हो, रात्रि को पूछा क्या तुम मुझे अपनी आध्यात्मिक साधना से गिराने आई हो। मां शारदा ने कहा कि नहीं, मैं तो आपकी सहयोगी बनने आई हूं, और उन्होंने अपनी ही पत्नी की पूजा की मां के रूप में, जिसको कहते हैं बंगाली में षोड़शी पूजा, कहा गया बंगाली बाबू षोड़शी पूजा, अपने ही पत्नी की पूजा की विधिवत, और मां कहा उसको, कितनी बड़ी बात है। अभी अभी शादी हुई है, पति पत्नी जवान है और वो उसे मां कहता है, और उसके बाद कभी स्पर्श नहीं किया, बहुत पावर चाहिए, धारणाएं चाहिए, शक्ति चाहिए। ऐसा अगाध प्रेम उस व्यक्ति में था प्रभु के लिए कि उसके लिए ये सब चीजें व्यर्थ थी, इंद्रिय सुख, क्योंकि जिसने अतिंद्रिय सुख की टेस्ट कर ली है उसको इंद्रिय सुख नहीं भाते फिर, परंतु जिसने अभी तक अतिंद्रिय सुख का मजा ही नहीं चखा उसको इंद्रिया खींचती रहती है। इंद्रियों का सुख, कोई भी इंद्रिय का सुख समान है, चाहे भोजन या काम, दोनों सिमिलर काम करते हैं। दोनों में नहीं अगर मिला तो क्रेविंग्स होती है, जैसे मीठा नहीं मिला तो इच्छा होती है खाने की, वैसे काम की भी वासना वैसी ही है। पैलेट एंड ब्रह्मचर्य, पैलेट कंट्रोल अर्थात भूख और ब्रह्मचर्य, ये दोनों ही चीजें, दोनों ही इंद्रिया, रसेंद्रिया और जनेंद्रिया एक सरी की काम करती है। तो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नष्ट, मर्डर। उसके बाद पांचवा, अंतर्विवेक, अंतकरण खून हो जाता है, इसलिए काम हिंसा है,
क्योंकि अंतर विवेक जो है वही नष्ट हो जाता है, फिर बुद्धि काम नहीं करती है, ये नहीं समझ में आता है क्या करूं और क्या नहीं करूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज्ड माइंड, ज्ञान में चलूं कि नहीं चलूं कि क्या करूं, सेंटर आज जाना है कि घर पे ही मुरली पढ़ना है, कंफ्यूज्ड, क्योंकि रात ने विवेक को नष्ट कर दिया। विवेक खत्म, उसके बाद में विल पावर, इच्छा शक्ति, इस ज्ञान में बढ़ने आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। एक मुरली को 10 बार पढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए, वो भी अव्यक्तवाणी कई बार पढ़ने के लिए, खेल नहीं है, जोक नहीं है, पहले तो समझ में नहीं आती है क्या है, और उसको कई बार पढ़ना और उसको गहराई में जाना, उसके वाक्यों को समझना, क्या चाहिए इसके लिए, इच्छा शक्ति, और काम हिंसा है, काम हिंसक है, काम की कटारी उस इच्छा शक्ति को ही नष्ट कर देती है। फिर मुरली पढ़ने में सुन लिया एक बार, बस यहां तक काफी, आगे और कुछ नहीं करना है, चिंतन विंतन हमको मत बताओ, यह हमारे बस की बात नहीं है। और काम का संबंध केवल उस काम क्रिया से नहीं है, कामना से भी है, काम कामना, ये दोनों चीजें उसमें आ गई, सटल डिजायर, सूक्ष्म इच्छा है, देह से संबंधित सारी इच्छा है। इच्छा शक्ति नष्ट, और इच्छा शक्ति की बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस, इसको दूसरा नाम देंगे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस ज्ञान में कई बार गिरना है, और गिरने के बाद बहुत जबरदस्त पावर चाहिए फिर से खड़े होने के लिए। वो सारा साम्राज्य जो स्थिति का निर्माण किया था, एक सेकंड में खलास की कमाई चट बैंकरप्ट, आज की मुरली में भी है की कमाई चट, इसके लिए बाबा ने कहा माला बनती ही नहीं है, ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बनती, अभी अभी देखो तो बहुत ऊंचाई में है, दूसरे दिन गिरे तो चकनाचूर, अड़गुड़ टूट गई, पांचवी मंजिल से गिरे, तब से ज्यादा गिराने वाला काम है, सबसे बड़ी जंक काम है, सबसे बड़ा विकार काम है, सबसे बड़ा शत्रु काम है, रोज की मुरलियों में आता है ये, क्यों? पतित बनाने वाला कौन है? क्रोध, मुंह काला, कल की मुरली में था या आज की मुरली में? कल मुंह काला, किसी साकार मुरली में था, अगर मुंह काला किया तो 1 साल के लिए बाप को मुंह नहीं दिखाना, आउट। इच्छा शक्ति को क्या कर देता है? मर्डर। उसके बाद डिवाइन इंटेलेक्ट, दैवी बुद्धि को क्या कर देता है? काम खून कर देता है, दैवी बुद्धि का, डिवाइन इंटेलेक्ट नहीं रहती तब, अभी हमारे पास डिवाइन इंटेलेक्ट है, दैवी इंटेलेक्ट, जो कि प्रॉपर जज करता है, निर्णय करता है, परखता है, मेमोराइज कर सकता है, इंटेलेक्ट के 7 फंक्शंस है, 7 काम है बुद्धि के, वो सारे बुद्धि के दिव्य काम, जब काम आ गया एक भी नहीं रहता, सब कुछ खलास, ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड। उसके बाद में डिवाइन संस्कार, दैवी संस्कार जो है उनको नष्ट कर देता है, और आसुरी संस्कारों का निर्माण होता है, और जो आसुरी संस्कार संस्कार बनकर खींचते रहते हैं, पागल कर देते हैं व्यक्ति को, डिवाइन संस्कार का खून। दैवी संस्कार बनाने में कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। कितना ज्ञान सुनो, कितना ज्ञान का चिंतन करो, कितनी क्लासेस सुनो, कितना लिखो मुरलिया, पॉइंट्स लिखो, टाइप करो, कितना लिटरेचर पढ़ो, कितनी भट्टियां अटेंड करो, कितनी बार मधुबन में आओ, कितनी बार बाबा से मिलो, 4 दिन 6 दिन मौन करो, भट्टियां करो, तब जाके कहीं छोटा मोटा एक दिव्य संस्कार निर्माण होता है। और यहां से गए और विकारों में गए और खलास,
इसके लिए काम हिंसा है, इसके लिए वायलेंस है, और सबसे बड़ी हिंसा है ये। कई बार सुना है हिंसा है हिंसा है, पर करता क्या है, किसकी हिंसा? व्यक्ति तो जिंदा रहता है पर अंदर से मर जाता है। पवित्रता की अमानत की जो हिफाजत नहीं कर सकता, उसका जमीर उसे खाता है अंदर से, अंतकरण अंतश्चेतना झकझोरती है, कचोटती है, रुलाती है। तो डिवाइन संस्कार, उसके बाद में पुण्य कर्म। अब तक जो किए थे सारे पुण्य कर्म, बस खलास, बहुत सेवाएं की, ये किया वो किया, कितने भी पुण्य कर्म किए, बहुत सेवाएं की, यज्ञ में जब से आए तब से सेवाओं में लगे, और फिर ये नया आकर्षण। पहले कुछ लोग कहते थे हम लोग तो ये मोबाइल रखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, जब मोबाइल नए आए थे, और अभी उसमें डूबे हुए और चर्चा रहे फ्री में। एक चित्र था जिसमें मोबाइल ऐसा हाथ में था और मोबाइल के हाथ हमारे हाथ में थे, हमने उसको नहीं पकड़ा, उसने हमको पकड़ा है। जैसे एक व्यक्ति गाय लेकर जा रहा था, गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना और बाकी शिष्य साथ जा रहे थे, उन्होंने पूछा कौन किसको लेके जा रहा है, शिष्यों ने कहा इसमें क्या है, व्यक्ति है गाय को लेकर जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति गाय को लेकर नहीं, गाय व्यक्ति को लेकर जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, दिखी तो हो रहा है, गाय को रस्सी पकड़ के वह व्यक्ति ले जा रहा है। उन्होंने कहा रस्सी को तोड़ दो या छोड़ दो, रस्सी को छोड़ा, गाय भागने लगी, वो व्यक्ति उसके पीछे भागने लगा, कौन किसके पीछे था, व्यक्ति गाय के पीछे था या गाय व्यक्ति के पीछे थी, हमने इसको नहीं पकड़ा है, अब इसने हमको पकड़ा है, छोड़ के देख लो। चूस रहा है खून, लीच थेरेपी कर रहा है। तो पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। कितने पुण्य कर्म किए, इतनी सेवाएं की, इतना कुछ कुछ किया, और खलास। उसके बाद में आत्मा के सात गुण, सात शक्तियां, या सेवन वैल्यूज ऑफ द सोल। आत्मा की सेवन वैल्यूज, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सब कुछ नष्ट। सात गुण, कोर वैल्यूज है आत्मा की, वही नष्ट हो जाती है। इससे आत्मा मरती नहीं है, पर काम आत्मा को मारता है। आत्मा जलती नहीं है, परंतु काम आत्मा को जलाता है। आत्मा जलती भी है, आत्मा का मर्डर भी होता है, आत्मा मरती भी है। बाबा ने कहा आत्मघात होता नहीं है, यहां आत्मघात होता है। यह है आत्मघात, आत्मा की मृत्यु, जो अजन्मा है उसकी मृत्यु। उसके बाद में आत्मा की सारी शक्तियां, पावर्स ऑफ द सोल। आत्मा में बहुत शक्ति है, पर जैसे ही आत्मा विकार में जाती है, हम क्रोध की बात नहीं कर रहे, लोभ मोह अहंकार की बात नहीं कर रहे, ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर की बात नहीं कर रहे, हम बात केवल काम की कर रहे, लस्ट की कर रहे, बाकी भी विकार है, परंतु जितना काम में देहभान है उतना बाकी में नहीं है, इसीलिए महाशत्रु है। क्योंकि सबसे ज्यादा आत्मग्लानी क्रोध करने के बाद नहीं, काम से होती है। तो क्या कर देता है वो, आत्मा की सारी शक्तियां, पावर्स को मर्डर। इसलिए काम हिंसा है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। मुरली नहीं पढ़ पाएंगे,
एकाग्रता नहीं होती। हम बात कर रहे हैं अज्ञानियों की नहीं जो काम विकार में जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज्ञानियों की। ब्रह्मचर्य के 8 रूप है। सबसे पहला दर्शनम, देखना कामुक दृष्टि से। दूसरा स्पर्शनम, स्पर्श करना कामुक भावना से। तीसरा केली, खेलना, एक दूसरों के साथ खेलना, ये पुराने शास्त्रों में लिखा है उस समय की परिभाषा। उसके बाद गुह्य भाष्य, एकांत में बातें करना छुप छुप के, प्राइवेट टॉक्स। अभी तो मोबाइल है, ये जब लिखा था तब मोबाइल वगैरह नहीं था। अध्यावसाय, संकल्प करना, एक संकल्प, समीप जाने का संकल्प करना व्यक्ति के। प्रशंसा, उसकी बहुत तारीफ करना, एक ही व्यक्ति की तारीफ करना, एक ही व्यक्ति की तारीफ, ये बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है। खुद के मन में तारीफ करना या दूसरों के सामने तारीफ करना, ये ब्रह्मचर्य भंग है। अध्यावसाय, संकल्प करना, समीप जाने का, वास्तव में समीप जाना, और आठवां क्रिया। ऐसे ये 8 चीजें किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी जगह अगर हो रही है तो वह ब्रह्मचर्य का भंग है। 8 टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य इसको कहा जाता है। तो हम थे एकाग्रता, एकाग्रता नष्ट हो जाती, मर्डर। उसके बाद में 3 टाइप्स ऑफ हेल्थ, 3 प्रकार के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, रुग्ण बन जाती है आत्मा। बाबा ने कहा तुम जन्म जन्म के महारोगी हो, तुम क्या हो, जन जन के महारोगी हो, एक जन्म के नहीं हो। क्यों जन्म जन्म के महारोगी हो? क्योंकि जन्म जन्म यही काम किया है, विकारों में गोते खाए, दूसरा कोई काम ही नहीं किया है। सन्यासी पवित्र रहते आज की मुरली में, परंतु दूसरा जन्म भी तो विकार से ही लेते हैं। केवल देवता ही है जो पवित्र है। कल की मुरली में था लास्ट पैराग्राफ, अपने आप को चेक करो मैं कितना सर्वगुण संपन्न बना हूं। संडे की मुरली वर्षे को याद करो तो खुशी होगी, वर्षा है सतयुग, वहां की पवित्रता। उन संस्कारों को इमर्ज करो, आदि अनादि संस्कारों को। तो तीनों प्रकार की हेल्थ, स्वास्थ्य क्या हो जाता है, नष्ट, खत्म। ये मर्डर है। और कोई चीज अगर छोड़नी है तो सबसे पहले उससे होने वाले नुकसान का चिंतन करना पड़ता है। कोई 30 साल से दारू पीता है, बीड़ी पीता है, कैसे छोड़ेगा? उसको चिंतन करना पड़ेगा रोज, इसने मुझे क्या क्या कर दिया, पूरा परिवार नष्ट कर दिया, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, जॉब छूट गई, सब छूट गया और बीमारी आ गई। बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा तब वो जाके छूटेगी, उसके सिवा छूट नहीं सकती है बीमारी। आज की मुरली में है कि क्या कहा, अच्छा वाक्य है आज की मुरली में, युद्ध के मैदान में यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है। काम विकार महाशत्रु है, उससे हार नहीं खानी है, बाकी सब विकार है, बाल बच्चे। सबसे ज्यादा काम इस पर ही करना है, हिंसा है। फिर अच्छी नींद, साउंड स्लीप, खलास। साउंड स्लीप नहीं आ सकती, कॉन्सेंट्रेशन भी भंग होगा और नींद भी खत्म, क्योंकि बेचैनी रहेगी हर समय। इच्छा, ये ऐसी इच्छा है कि व्यक्ति अगर ज्ञान योग में डूबा हुआ नहीं है तो जब यह नहीं करेगा तब बेचैनी होगी, और जब करेगा तब पश्चाताप। दोनों तरफ से फंसता है, नहीं करेगा तो बेचैनी, करूं कुछ तो करूं, किसी को हाथ लगाऊं, किसी को कुछ करूं, कुछ देखूं, और नहीं करूं और किया तो पश्चाताप। दोनों तरफ फंसता है,
क्योंकि रिक्तता है, खालीपन है। इसलिए उस दिन भी कहा था विकारों की जो जड़ है वो है फुर्सत, टाइम है, 2 घंटा खाली है, क्या करूं 2 घंटा, कुछ तो करना है, सेवाएं हो गई, भोजन हो गया, सब कुछ करके कमरे में अभी बैठे 1 घंटा 2 घंटा खाली है, नींद भी नहीं आ रही है, तो व्यक्ति की उंगलियां कुछ कुछ करती है। फिर नींद खलास खत्म। इसलिए काम क्या है, शत्रु नहीं, हिंसा, कटारी, तलवार खत्म कर देता है पूरा आर पार, बचने का कोई चांस नहीं। क्रोध से बच सकते, ये तो तलवार ही अंदर चली गई, खून ही खून। उसके बाद में समय को नष्ट कर देता है, 15वां, क्या कर देता है ये, समय का खून कर देता है, बहुत समय जाता है इसमें, लंबी लंबी फोन पे बातें, फैमिलियरिटी, गिफ्ट्स, स्पेशल राखी, स्पेशल टोली उस भाई के लिए, इस बहन के लिए, कुछ मार्केट में अच्छी चीज ढूंढो उसको भेजनी है, टाइम टाइम बहुत जाता है, क्योंकि किसी से प्रभावित है। काम अर्थात केवल वो काम नहीं, काम अर्थात प्रभावित होना भी काम है। एक मुरलीपुरी प्रभावित होने पर चली थी कुछ समय पहले, कुछ मास पहले, किसी आत्मा से प्रभावित हो जाना, उसके गुणों से प्रभावित हो जाना, उसकी विशेषता से प्रभावित हो जाना, देह से प्रभावित हो जाना वो तो है ही, पर इनसे भी प्रभावित होना भी कामना है। और जिससे प्रभावित है उसको खुश करने के लिए कोशिश करेंगे, कैसे उसको खुश करूं, क्या उसके लिए करूं ताकि वो खुश हो जाए, उसका बर्थडे है क्या देना चाहिए, कुछ तो अच्छा देना चाहिए। सब लोग जो देंगे वो थोड़ी देंगे, हम कुछ स्पेशल देंगे। टाइम टाइम खलास, उतना ही टाइम ज्ञान योग में लगाया होता तो कितना अच्छा होता। आज की मुरली में एक बड़ा ही अच्छा वाक्य है, किसी से भी अपनापन है तो पाप से योग नहीं लगेगा, किसी से भी अपनापन, अपना अगर समझते हैं तो योग नहीं लगेगा, उसी की याद आएगी, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, अपनापन का भाव है, बाप से योग नहीं लग सकता, अपना है, कहा योग खलास। बड़ा पावरफुल वाक्य है मुरली में आज की साकर टाइम। और लास्ट 16वां, 4 सब्जेक्ट की हत्या, किसकी हत्या, 4 सब्जेक्ट्स की हत्या। ज्ञान खत्म, योग खत्म, धारणाएं खत्म, और सेवाएं, सेवा करने की इच्छा ही नहीं होती है, बहाने बनाएंगे सेवा में, आज थोड़ा सा कमर में दर्द है, बाद में आता हूं, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, आज थकान लग रही है, तो काम हिंसा है, तो संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य है। ये तो एक अप्रोच है कि काम के क्या नुकसान है, पर बाबा ने जो ज्यादा सिखाया है वो है पवित्रता के क्या फायदे हैं, इस पर चिंतन करो, इस पर रमन करो, इसके समान में रहो, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंधकार को मिटाना है तो अंधकार के चिंतन से नहीं मिटेगा अंधकार, प्रकाश को लाना पड़ेगा, और पवित्रता वो प्रकाश है। निरंतर पवित्र संकल्पों में रहो, निरंतर श्रेष्ठ संकल्पों में रहो, इसके लिए मुरली लो और कई बार उसका अध्ययन करो, मुरली लो और उससे टॉपिक्स निकालो, पावरफुल, क्या क्या वाक्य है, क्या क्या चीजें हैं, इस टॉपिक पर क्या किया जा सकता है। कल की मुरली में था धर्म की ग्लानी, आप सबको आज दूसरा काम दे रहे, धर्म की ग्लानी अर्थात किसकी ग्लानी। पहला वाला कौन सा दिया था, गृहस्थ, पवित्र गृहस्थ आश्रम कैसे स्थापन किया जाए, ये पहला, और दूसरा दे रहे धर्म की ग्लानी अर्थात वो कौन सी 21 बातें हैं जिनकी ग्लानी होती है, धर्म की ग्लानी। बाबा ने कल कहा था जब धर्म की ग्लानी होती है तो मैं आता हूं, परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, ऐसे श्लोक है।
तो धर्म की ग्लानी अर्थात किसकी ग्लानी, क्या है धर्म की ग्लानी। तो ऐसी ये कुछ बातें थी। तो संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा, संपूर्ण पवित्रता की धारणा, संपूर्ण पवित्रता के संस्कार अपने अंदर भरने हैं। यही संस्कार लेकर हम ऊपर जाएंगे। ओम शांति।